क्लास इलेवन एक्सरसाइज फोर पॉइंट सिक्सटीन अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजोंटल डिस्टेंस ऑफ हंड्रेड मीटर तो इस क्वेश्चन में, में क्या कहा गया है कि मेरे पास एक क्रिकेटर है जो कि बॉल को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हंड्रेड मीटर तक फेंक सकता है तो ये रही मेरी मैक्सिमम हॉरिजोंटल डिस्टेंस इसे हम नाम दे देते हैं कैपिटल आर मैक्स इज इक्वल टू हंड्रेड मीटर सो दिस कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हमें फाइंड क्या करना है हाउ मच हाई अबब द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल अब इस क्वेश्चन में उसे हमें घुमा के पूछा गया है कि इसी बॉल को अगर इसी बॉल को क्या मतलब है कि अगर यही कंडीशंस वो यूज़ करके इस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंके वर्टिकली अपवर्ड हाई फेंके तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी सो लेट दिस वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू कैपिटल एच मान लेते हैं सो so, इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए हमें इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट नहीं पूछी गई हमें पूछा गया है कि वो सेम बॉल को अगर ग्राउंड से सीधा से सीधा ही ऊपर फेंके तो वो कितनी हाइट अटेन कर लेगी सो so, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करने से पहले ध्यान रखिए जो हमें कंडीशन दी हुई थी वो टू डिमेंशनल मोशन में दी हुई है और जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है वन डिमेंशनल मोशन में सो so स्टार्ट करते हैं गिवन कंडीशन हमारे पास क्या थी कि कैपिटल आर मैक्स हमें गिवन था हंड्रेड मीटर फ्रॉम फिगर वन आप देख सकते हैं कि हमारे पास आर मैक्स था हंड्रेड मीटर आर मैक्स का फार्मूला हमें पता है इन मोशन इन अ प्लेन में हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं आर मैक्स हमारा आता है इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मतलब वे नॉट स्क्वायर अपॉन जी तो अगर यहाँ से मैं वी नॉट स्केयर की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास क्या आ रही है आर मैक्स इंटू जी तो इसे मैं भी वी स्केयर में ही रख लेता हूँ हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम द फिगर वन आ गई है जिसकी वैल्यू कितनी है आर मैक्स इंटू जी इसकी स्केयर की वैल्यू थी सो so, मेरे पास इनिशियल वैल्यू वी नॉट अंडर रूट में आ जाएगी सो so, अब हमें मालूम है कि यार मैक्स है तो थीटा जो हमारा था थीटा नॉट वो तो 45 डिग्री का ही होगा तभी ये मैक्सिमम डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगी सो so, अब आते हैं सेकंड फिगर में सो so, आपको मालूम है बॉल मैक्सिमम हाइट तक कहाँ तक रीच करेगी जब तक उसकी फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू ज़ीरो मीटर पर सेकेंड ना हो क्लियर सो इनिशियल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली थी वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट आर मैक्स इन टू जी सो अब यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ वन डिमेंशनल मोशन को यूज करते हुए हम मैक्सिमम हाइट फाइंड कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं इक्वेशन क्या यूज कर रहा हूँ? वी स्केयर माइनस वी नॉट स्केयर मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस नीचे वेलोसिटी स्केयर इज इक्वल टू टू ए कैपिटल एस ए एक्सरेशन ड्यू टू ग्राफिटी एक्सिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहां पर हम कंडीशन को यूज कर लेते हैं सो so, मेरे पास फाइनल ब्लॉफ्टी कितनी थी जीरो सो जीरो स्केयर माइनस वीस के नॉट की वैल्यू हमें मालूम ही है आर मैक्स इंटू जी इज इक्वल टू टू एक्सरेशन डू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ तो मतलब ए की वैल्यू यहां पे हमारे पास हो जाएगी a इक्वल टू नेगेटिव जी सो नेगेटिव जी इन टू एस कितना था मेरे पास हमने क्या माना था हाइट को कैपिटल एच से इन टू एच डिस्टेंस ट्रेवल तो इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल क्योंकि जो जीरो था ही जीरो ही रह जाएगा सो so, जी से जी कैंसिल मेरे पास क्या बचा आर मैक्स इज इक्वल टू टू एच हमें फाइंड क्या करना था एच सो एच कम्स आउट टू बी आर मैक्स अपॉन टू अब हमें आर मैक्स की वैल्यू पता है कितनी थी हंड्रेड मीटर हंड्रेड मीटर डिवाइडेड बाई टू सो मेरे पास कितना आ गया टू को अगर हंड्रेड से डिवाइड करूँ तो फिफ्टी सो फिफ्टी मीटर सो आवर आंसर इज़ फिफ्टी मीटर सो हम कह सकते हैं द क्रिकेटर कैन थ्रो द सेम बॉल टू अ वर्टिकल हाइट इज इक्वल टू फिफ्टी मीटर सो दिस इज आवर आंसर